चैनल को बेच करके आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएगा भाई। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास दो ठो इंजन ऑयल है, दोनों ही 1.25 लीटर इंजन ऑयल है जो बजाज कंपनी का जेनुअन इंजन ऑयल है, लेकिन इसमें एक इंजन ऑयल जेनुअन है, एक इंजन डुप्लीकेट है। आप लोग इसको पहचानेंगे कैसे, टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स देखिए ये बजाज कंपनी का DTSI इंजन ऑयल है, जेनुअन इंजन ऑयल है, और ये भी बजाज कंपनी का DTSI इंजन, लेकिन ये भी जेनुअन है। लेकिन आप लोगों को बतला दें कि दोनों इंजन ऑयल एक जेनुअन है, एक डुप्लीकेट इंजन ऑयल है, लेकिन आपको देखने से लग रहा है कि दोनों जेनुअन है तो ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको हम नजदीक से दिखला रहे इसको पहचानेंगे कैसे, ऊपर से बिना इंजन ऑयल को ढक्की को खोले आप कैसे पहचानिए। सबसे पहले आपको हम डिप्पी से यहाँ पे दिखला रहे हैं, इसका जो कैप जो है ना, देखिए ये जेनुअन इंजन ऑयल है, इसका कैप का आप क्वालिटी देखिए। इसी के जगह अगर दूसरा इंजन ऑयल है तो देखिए इसका कैप का क्वालिटी देखिए, देखिए डुप्लीकेट इंजन ऑयल है, दोनों का आप कैप में डिफरेंट देख रहे हैं। इससे भी आप पता लगा सकते हैं इंजन ऑयल ओरिजिनल और डुप्लीकेट है। अगर उसके बाद हम बात करें तो इधर से आप देखिए, थोड़ा आपको नजदीक से दिखला रहे हैं, अगर लोगों का बात करें तो देखिए डुप्लीकेट का होलोग्राम देखिए, लिखावट देखिए इसका किस तरह से लेवरा उभरा है, इस तरह से आप देख रहे हैं। फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए बजाज DTSI लिखा हुआ है, इसका फिनिशिंग देखिए लोकल का। अगर इसी के जगह देख बात कर लेते, यहाँ पे देखिए बजाज DTSI यहाँ पे भी लिखा है, इसका क्वालिटी देखिए जेनुअन इंजन है। अगर डब्बी का बात कर ले तो इसका डब्बी से भी आप पता लगा सकते हैं डुप्लीकेट है। इसका डब्बी का जो फिनिशिंग है वो भी अच्छा नहीं है, ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है। इसी का जगह जेनुअन इंजन है, उसका फिनिशिंग आप देख लीजिए डब्बी का कितना अच्छा फिनिशिंग है। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे 1 लीटर में इंजन ऑयल कहीं नहीं मिला, इसलिए मुझे 1.25 लीटर का इंजन ऑयल लेना पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद मुझे 1.25 लीटर का डुप्लीकेट इंजन ऑयल मिला। आपको इंजन ऑयल को हम बाहर निकाल के भी दिखलाएंगे, उस ओरिजिनल का इंजन ऑयल का कलर कैसा है, डुप्लीकेट इंजन ऑयल का कलर कैसा है। अगर प्राइस का बात कर ले तो जब आप डुप्लीकेट इंजन ऑयल सेल कीजिएगा मार्केट में तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। अगर इसी के जगह हम जेनुअन इंजन ऑयल सप्लाई करेंगे तो इसमें कम बेनिफिट है, इसलिए बहुत जगह आपको डुप्लीकेट इंजन ऑयल सेल करता है, पैसा कमाने के चक्कर में डुप्लीकेट इंजन ऑयल बेचता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, पैसा कमाने के चक्कर में आप तो ले रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन डुप्लीकेट है कौन ओरिजिनल है, लेकिन यहाँ पे दुकानदार को तो बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन कस्टमर का जो लॉस हो रहा है, जो मेरा क्लाइंट है उसको लॉस हो रहा है। लॉस कैसे हो रहा है, जब ये डुप्लीकेट इंजन ऑयल बाइक में डाल के ड्राइव करेगा, बाइक का जो भी हर एक कल पुर्जा है, छोटा छोटा कल पुर्जा है, टोटल पार्ट का होगा, घिस जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ दिन चलने के बाद बाइक धुआं मार देगा। अगर उसके बाद हम बात कर ले इसका प्राइस का, तो देखिए यहाँ पे दोनों में प्राइस सेम दिखाई दे रहा है, नजदीक से दिखलाओ, देखिए यहाँ पे दोनों में प्राइस सेम दिखाई दे रहा है। डुप्लीकेट का बात कर ले तो देखिए डुप्लीकेट पे किस तरह से लिखा हुआ है, जो बजाज का कॉपी इंजन ऑयल है, डुप्लीकेट ही इसको बोलिएगा, कॉपी इंजन ऑयल है। देखिए इस पे लिखावट किस तरह से लिखा हुआ है। अगर प्राइस का बात कर ले देखिए 565 रुपया MRP है जो प्राइस है। अगर जेनुअन का बात कर ले तो जेनुअन पे भी यहाँ पे 565 रुपया प्राइस है, लेकिन यहाँ पे जेनुअन का लिखावट जो है देखिए कितना फिनिशिंग से लिखा गया है। अगर डुप्लीकेट का बात कर देखिए डुप्लीकेट पे किस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल डुप्लीकेट इंजन ऑयल है। देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने 100 ml का जार लिया, डब्बी लिया, इसके अंदर हम दोनों इंजन ऑयल को बाहर निकालते, एक में जेनुअन इंजन ऑयल निकालेंगे, एक में ओरिजिनल इंजन ऑयल निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप बहुत ज्यादा अपने बाइक से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए मुझे वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डुप्लीकेट इंजन ऑयल ढूंढने में मुझे काफी प्रॉब्लम होता है, ढूंढने के बाद बहुत ढूंढने के बाद ये डुप्लीकेट इंजन ऑयल मुझे मिला है। चलिए हम दोनों इंजन ऑयल को आपको खोल करके डब्बी को खोल ले, देखिए डुप्लीकेट इंजन ऑयल को खोले, देखिए इसका फिनिशिंग आप देखिए, डब्बी का फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं है। यहाँ से पहले इसको ओपन कर लेते हैं, आप देखिए डुप्लीकेट इंजन ऑयल को हम ओपन किए, एक में यहाँ पे हम डुप्लीकेट इंजन ऑयल डाल दिए, देखिए इसको हम साइड में रख लेते हैं। अगर इसी का जगह यहाँ पे जेनुअन इंजन ऑयल डब्बी खोलते हैं, देखिए कैप को खोलते हैं, इसका फिनिशिंग देखिए। अगर यहाँ पे देखिए जो ओरिजिनल इंजन ऑयल का यहाँ पे रैपर लगा है, डब्बी खोलने के बाद, इस कैप को खोलने के बाद, उसका आप यहाँ पे फिनिशिंग देखिए कितना अच्छा से फिनिशिंग दिया। यहीं पे डुप्लीकेट जो इंजन ऑयल इसको हम बाहर निकाले, इसलिए इसको सील को तोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए सीलिंग जो किया गया, इसका देखिए आप फिनिशिंग कैसा है, बिल्कुल अच्छा फिनिशिंग नहीं है। अगर उसके बाद हम बात करें डुप्लीकेट इंजन ऑयल के अंदर, देखिए कैप के अंदर एक पेपर दिया जाता है, वो भी नहीं दिया गया है। ओरिजिनल इंजन ऑयल में देखिए कैप के अंदर एक पेपर दिया गया है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं ओरिजिनल डुप्लीकेट।
चलिए अब हम ओरिजिनल इंजन ऑयल को बाहर निकाल के आपको दिखला रहे हैं। देखिए डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। यहाँ पे देखो ओरिजिनल इंजन ऑयल को हम डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपके लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोनों इंजन ऑयल में कितना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। देखिए जो हमारा डुप्लीकेट इंजन ऑयल है उसका इंजन ऑयल का भी फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं है। देखिए आप इसमें काफी ज्यादा पीला पीला लग रहा है, देख रहे हैं। अगर इसी के जगह हम बात कर ले तो ओरिजिनल का आप इंजन ऑयल का कलर का फिनिशिंग देख लीजिए, आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि इंजन ऑयल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आप देख लीजिए किस तरह से इंजन ऑयल ओरिजिनल डुप्लीकेट को हम चेकअप करें। सबसे पहले आपको डीपी को चेकअप करना है, दूसरा हो गया इस डब्बी को फिनिशिंग को चेकअप करना है, तीसरा हो गया इसका होलोग्राम को चेकअप करना है, उसके बाद इसका जो लिखावट है जो लिखा हुआ है यहाँ पे बजाज कंपनी का वो सब चेकअप करना है, उसके बाद इस तरफ से जो लिखा हुआ है वो चेकअप करना है, एमआरपी चेकअप करना है, इसका फिनिशिंग कैसा है किस तरह से लिखा हुआ है। क्योंकि आप देख रहे डुप्लीकेटल का डुप्लीकेट इंजन ऑयल का जो फिनिशिंग है ना कुछ अलग ही है, ओरिजिनल का फिनिशिंग है कुछ अलग ही है। डुप्लीकेट जो इंजन ऑयल है इसमें बहुत ही ज्यादा मार्जिन है, बहुत ज्यादा मार्जिन। ऐसे इंजन ऑयल को बेच करके आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाइएगा भाई, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप जिस क्लाइंट को इंजन ऑयल दीजिएगा ना डुप्लीकेट वाला, वो क्लाइंट आपको आपसे हमेशा हमेशा के लिए आपको वर्कशॉप से हट जाएगा। जब ये उसको पता चले कि बाइक के अंदर लोकल इंजन ऑयल आप डाल रहे हैं वो क्लाइंट दोबारा आपके पास वर्कशॉप पे नहीं आएगा। पैसा कमाने के चक्कर में आप लोग नहीं कभी जाइएगा इंजन ऑयल में, खास करके कभी भी इंजन ऑयल से कंप्रोमाइज करना ही नहीं है बाइक के। क्योंकि जैसे हम लोग के शरीर में ब्लड होता है उसी तरह से बाइक के लिए इंजन के लिए इंजन ऑयल ब्लड का काम करता है। तो ओरिजिनल इंजन ऑयल के जगह अगर हम डुप्लीकेट इंजन ऑयल डाल देंगे तो बाइक का हर एक कल पुर्जा घिस जाएगा, खराब हो जाएगा, इंजन बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद क्लाइंट का जो नुकसान होगा वो क्लाइंट ही जानेगा। आप तो पैसा कमाने के चक्कर में लोकल इंजन ऑयल सेल कर दिए, लेकिन हाँ एक चीज हम बतला रहे हैं ओरिजिनल सामान बेचिए, थोड़ा कम कमाइए, आस्ते आस्ते कमाइए। लोकल इंजन ऑयल आप बेचिएगा ना तो उसमें बहुत जल्द आप पैसा, बहुत पैसा है लोकल इंजन ऑयल जो आप सेल किए उसमें बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा है। आप अगर 20 पीस बेच लेते हैं लोकल इंजन ऑयल समथिंग आप 2 से 3 हजार रुपया कमा लेंगे लोकल इंजन ऑयल को बेच करके। तो कभी आप पैसा के पीछे नहीं जाइए कि एक में ओरिजिनल इंजन ऑयल एक में डुप्लीकेट इंजन। आप देख रहे हैं ये जो इंजन ऑयल का कलर देख रहे हैं डुप्लीकेट इंजन है, जो थोड़ा आपको पीला और रेड के दिखाई दे रहा है। देखिए जेन्युइन इंजन है वो बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा है, लेकिन डुप्लीकेट है वो थोड़ा रेड पीला कलर का है। आप इससे भी पता लगा सकते हैं ओरिजिनल इंजन ऑयल, ओरिजिनल और डुप्लीकेट इंजन ऑयल आप इससे भी पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कैस्ट्रॉल में ओरिजिनल और डुप्लीकेट इंजन ऑयल पर वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।